दोस्तों यहाँ आए हुए तमाम कबूतरबाज शौकीनों को मैं मोहम्मद शाहिद अंसारी आज के शब का प्यार भरा सलाम अर्ज करता हूं और दोस्तों लिए चलता हूं कबूतरबाजी की उस दुनिया में जिसे आज मुरादाबाद शहर के कबूतरबाजों को लोग इज्जत के साथ नाम लेते हुए पहचाने जाते हैं। ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं मुरादाबाद के इस सरजमी पर आप सबके सामने मौजूद हूं। जैसा कि यहां मुरादाबाद शहर में ये जो टूर्नामेंट उड़े हुए और जिन लोगों ने अपनी मेहनत करने के बाद तमाम कबूतरबाजों का शौक बड़ी इज्जत बड़ी मेहनत और बड़ी लगन बड़ी जुस्तजू के साथ कराया इस्तकबाल करना चाहूंगा उनका खुशामदीद कहना चाहूंगा मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने ढाबरों में बंद उन कबूतरों का शौक करवाया जिसे कबूतरबाज कहते थे ये मेरे शाम तक पड़ा हुआ है ये मेरा दूसरे दिन तक पड़ा हुआ है। शायद अगर कमेटी टूर्नामेंट नहीं उड़ पाए तो हम यही समझेंगे ये हमारे कबूतर शाम तक पड़ा हुआ है। जब कबूतर उड़ता है तभी कबूतर की सच्चाई सामने आती है और इस साल कितनी सच्चाई सामने आई वो ये तमाम प्राइज जो यहां मौजूद है वो इस बात का एहसास दिलाते हैं कि लोगों ने कितनी मेहनत और कितनी जुस्तजू करके कबूतर उड़ाए और अपना वक्त दिया। तो कुछ ही लम्हों में ये इनामात उन तमाम कबूतरबाजों के हाथ में मौजूद होंगे जो इस चीज के हकदार हैं। यकीनन उनकी साल भर की मेहनत जब तालियों की गड़गड़ाहट में उन तक वो इनाम पहुंचेगा तो उनके दिल को कितना सुकून होगा ये तो कबूतरबाज उस वक्त बताता है जब उसके हाथ में वो ट्रॉफी होती है। और ये तमाम चंद लम्हों बाद ये आप तक यकीनन पहुंचेगा। और आज हमारे बीच में शहर मुरादाबाद के सबसे सीनियर उस्ताद जनाब हाजी मंसूर साहब हमारे बीच में मौजूद है और तमाम लोग जो कमेटी के सदस्य हैं वो भी तब यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही लम्हों में कुछ ही क्षणों में वो अपनी कुर्सियों पर आपको देखते हुए नजर आएंगे। तो मैं चाहूंगा कि कमेटी के जितने लोग हैं प्लीज वो अपनी सीट पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे शहर उस्ताद जनाब हाजी मंसूर साहब का। आज इन्हीं की बदौलत आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज मुरादाबाद शहर का नाम पूरे हिंदुस्तान भर में इज्जत के साथ लिया जाता है उसमें हाजी मंसूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए दोस्तों कुछ देर हाजी साहब का कहना है कि कुछ लोग जो हैं वो खाने में मसरूफ हैं तब तक मैं आपका मनोरंजन करता हूं ताकि आप खामोशी अख्तियार ना करें कुछ आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं हमारे उस्ताद मंसूर साहब। लगाकर फूल होठों पे कहा उसने ये आहिस्ता से गौर से सुनिएगा भाई। लगाकर फूल होठों पे कहा उसने ये आहिस्ता से
अगर कोई पास ना होता इसकी जगह तुम होते। बात प्यारा शेर शायद समझ में नहीं आया। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, ये चांद पागल है अकेले में निकल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, ये चांद पागल है अकेले में निकल पड़ता है। उनकी याद आई है ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, उनकी याद आई है ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। हाजी मंसूर साहब ने बरेली से मुझे स्पेशल यहाँ बुलाया है क्योंकि आप चाहते हैं कि आज की शाम एक बेहतरीन शाम आप तक रहे। राजू भाई जो सदर हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और नाजिम भाई प्लीज है, नाजिम भाई राजू भाई और नाजिम भाई जोरदार तालियों से राबिये सदर, इन्हीं की बदौलत हम आप तमाम लोग यहां मौजूद हैं। ये कमेटी के वो तमाम गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने आप तमाम लोगों का यहां शौक कराया है। जनाब यूसुफ उस्ताद जी, जनाब यूसुफ उस्ताद जी तशरीफ ले आए। यूसुफ उस्ताद जी जी, जनाब डॉक्टर बब्बू साहब जो बरेली से तशरीफ लाए हैं, मुरादाबाद आपका इस्तकबाल करता है। डॉक्टर बब्बू साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो डाइस पर तशरीफ लाए। डॉक्टर बब्बू साहब लीजिए, डॉक्टर बब्बू साहब अपनी कुर्सी से उठते हुए हमारे बीच में जोरदार तालियां। साहब आपका भी एक वक्त गुजरा है कबूतरबाजी के इस शौक में, और ये हमारे खुशकिस्मती है कि डॉक्टर बब्बू आज हमारे बीच मुरादाबाद की इस सरजमी पर इतने बेहतरीन से फंक्शन में यहाँ मौजूद है। डॉक्टर बब्बू साहब जोरदार तालियां डॉक्टर बब्बू साहब के लिए। जी हाँ, मुरादाबाद में एक वक्त में इनका नाम था, लोग डॉक्टर बब्बू को के नाम से लोग सोचते थे इनसे मिलने के लिए, और आज ये हमारे खुशकिस्मति है कि डॉक्टर बब्बू साहब यहाँ मौजूद है। शाहिद अली न्यारियों की मस्जिद वाले शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब, शाहिद अली साहब न्यारियों वाले, शाहिद अली साहब एहसान उस्ताद, एहसान उस्ताद तशरीफ ले आए। समद उस्ताद जी, समद उस्ताद जी, समद उस्ताद अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज तशरीफ ले आए। मोहम्मद मियां और मोहम्मद आरिफ साहब ये दोनों विजेता हैं मुरादाबाद के, दोनों लोग तशरीफ ले आए। मोहम्मद आरिफ साहब प्लीज तशरीफ ले आए, स्वागत करेंगे आपका। लीजिए हमारे शहर उस्ताद जनाब हाजी मंसूर साहब का स्वागत करेंगे, डाइस के नीचे तशरीफ। भाई 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 पीछे वालों को नहीं दिखेगा, जो जहां पर है वहीं पर है। जोरदार तालियां दोस्तों शहर उस्ताद का स्वागत करते हुए, शहर उस्ताद का। बराबर मानते
नायब सदर जी 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 थोड़ा सा उस्ताद 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 आपका स्वागत बड़े हाजी मंसूर साहब के बारे में मैं आप तमाम लोगों को एक बात बताना चाहता हूं अगर आप खामोशी से मेरी बात सुने तब हाजी मंसूर साहब से चंद सवाल मैं पूछना चाहूंगा चंद सवाल हाजी मंसूर साहब से हाजी मंसूर साहब आपने अपनी कबूतरबाजी के 50-60 साल के समय में तब की कबूतरबाजी में और अब की कबूतरबाजी में जमीन आसमान का फर्क है और एक बहुत मेहनत आपने की है और आने वाले वक्त के लिए आप यहाँ के जो नौजवान शौकीन हैं उनके लिए कुछ संदेश उनके लिए कुछ हिदायत कुछ कहना चाहेंगे चौधरी का गीत आता है तो आप हिलने क्यों लगते हैं देखिए साहब जब सपना चौधरी का गीत आता है तो हाजी मंसूर साहब गोली बनाना छोड़ देते हैं और सपना चौधरी को देखते हैं लेकिन अगर इस उम्र में अगर इनके अंदर ये आदतें हैं तो मैं कहूंगा ये बुरी नहीं है दोस्तों बहुत अच्छी है बहुत अच्छी तालियां दोस्तों ये इंतजाम है इनके ऊपर ये लॉर्डों ने मुझे बताया मुरादाबाद के ये जैसे आरिफ है इमरान है प्रिंस है इन सब ने बताया तो इनके लिए मैं ज्यादा कोई खास बात नहीं है देखिए दोस्तों जवानी में इश्क करना मेरे हिसाब से गलत है बिल्कुल ही गलत है अगर इस उम्र में आप इश्क करें तो मजा आएगा जिंदगी का जोरदार तालियां दोस्तों मजा आएगा हाजी साहब आपके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा हाँ इतना कहूंगा क्योंकि आप सपना चौधरी से बड़ी मोहब्बत करते हैं सूखे हुए हाथों को पानी दे दे सूखे हुए हाथों को पानी दे दे ठरिया हुए डहर में नवानी दे दे वक्त से पहले बूढ़े हो गए हैं मंसूर साहब मेरे अल्लाह सपना चौधरी के लिए फिर से जवानी दे देगा राजू साहब जिन्हें लोग सर जी के नाम से बड़ी इज्जत बड़ी एहतराम से आपकी इज्जत के साथ सर लगाते हैं राजू साहब इस्तकबाल करेंगे हमारे आरिफ भाई और मोहम्मद मियां साहब चलिए बहुत बहुत इनके चेहरे से इनकी मुस्कुराहट से महसूस होता है कि बहुत कुछ आपने इस मुरादाबाद शहर के लिए क्या है और इंशाल्लाह आप करते ही रहेंगे हाजी साहब एक राजू साहब आपके ऊपर भी एक छोटा सा इल्जाम है आपसे उसकी तस्दीक करना चाहूंगा सुनने में आया है कि पहले मुरादाबाद के कबूतर इच्छे नहीं उड़ते थे जब से राजू साहब सर जी कबूतरबाजी में तशरीफ लाए हैं तब से कबूतर बहुत अच्छे उड़ने लगते इसका क्या नजरिया है देखिए साहब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं मैं कबूतरबाजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता मंसूर अली उस्ताद साहब मेरे उस्ताद हैं शहर उस्ताद हैं लेकिन चूंकि मुझे शौक है कबूतरबाजी का इसलिए मैं अपने तन मन धन से हर वक्त जितने भी मुरादाबाद के मेरे साथी हैं जो कबूतरों का शौक रखते हैं मैं उनके लिए आधी रात को तैयार हूं जिस लायक हूं सब आए मैं उनके साथ शुक्रिया जनाब नहीं एक इल्जाम आपके ऊपर और भी है कि आपने पाकिस्तान से नुस्खे मंगवाए थे
वो पाकिस्तान के बच्चे हमारे शहजादे के लोग हैं उनके पास है। बाबू यारी भाई आपके पास है वो या इमरान भाई के पास है, किसके पास है वो से? चलिए कहीं से भी नुकसान हो कुछ भी आए हो, लेकिन मुरादाबाद की जो कबूतरबाजी इस साल चमक के आई है, इस साल जो सुर्खियों से नाम लिखा गया है मुरादाबाद शहर का, वो एक काबिले तारीफ है। हालांकि इन तमाम उस्ताद लोगों की, इन तमाम जो सीनियर कबूतरबाज है उनकी मेहनत है, और जितने भी नौजवान लोग हैं उनकी मेहनत है, उसी की बदौलत आज मुरादाबाद शहर का इतना नाम है। नाज़िम भाई नायब सदर साहब का इस्तकबाल करेंगे जनाब आरिफ भाई और मोहम्मद मियां साहब। इधर देखो, इधर इधर सारे भाई। जी नाज़िम साहब, जैसे आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, यहाँ लोग आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, जाहिर है बहुत मेहनत की होगी और बहुत लोगों का हाथ भी आपके साथ रहा होगा, तो आज की कबूतरबाजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की कबूतरबाजी और पुराने पिछले साल जमाने की कबूतरबाजी में बहुत फर्क आ चुका है। आज लोग बहुत अच्छी उड़ाने कर रहे हैं और लंबी परवाज कर रहे हैं, बहुत फर्क आ चुका है, बहुत शौक है लोगों को, बहुत जज्बा है कबूतर उड़ाने का, और कप में बहुत अच्छी तरह से परवाज लोगों ने दिखाई इस तरह से 51 वाले में, और 105 कबूतरों की उड़ान हुई, बहुत अच्छी अच्छा लगा और बहुत अच्छी माशाल्लाह सब लोगों ने परवाज कराए। अच्छा नाज़िम साहब, जितना मासूम चेहरा आपका हमें नजर आ रहा है, क्या अंदर से भी इतने मासूम हैं आप? जी सब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये मासूम चेहरा सिर्फ दिखावे का है, अंदर से कुछ और ही है नाज़िम भाई। जी ऐसा नहीं नहीं देखिए, ये खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी मुझे जीने नहीं देगी, उनसे कह दो कि मेरी आंखों का सफर अब खत्म कर लिया, उम्र हो गई। जोरदार तालियां हमारे सदर नाज़िम साहब के लिए। यूसुफ उस्ताद साहब का आप इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे उस्ताद मंसूर साहब। उस्ताद मंसूर साहब यूसुफ साहब का इस्तकबाल करेंगे, और चंद ही लम्हों में साहब ये जो जितना भी प्राइस है, जितने भी हकदार हैं वो उनके हाथों में, जोरदार तालियां हमारे साथ यूसुफ साहब के लिए। आपने भी कबूतरबाजी में बहुत योगदान दिया है, बहुत मेहनत की है, जो आज मुरादाबाद शहर का आपने नाम यहां तक पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे यूसुफ साहब आप तो इन कबूतरबाजों के लिए? कि जितने हमारे मुरादाबाद के पुराने उस्ताद जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिनके सदके में जिनके तुफैल में हमें ये शौक मिला है, अल्लाह ताला उनकी खूब मफरत फरमाए, और शौक तो माशाल्लाह इस साल भी बढ़िया हुआ है और पिछले साल भी अच्छा हुआ और अच्छी उड़ानें हुई हैं, और जितने भी लोग हैं अपने अपने हौसलों को बुलंद करें और आइंदा शौक के लिए तैयारी करें, हमारे बहुत ही शानदार बोलने वाले साथी जो बरेली से आए हुए हैं, शाहिद साहब का खैर मकदम करें, नाज़िम भाई शाल पहना कर शाल दीजिए नाज़िम भाई को। तालियां बजा दें सभी लोग भाई, शुक्रिया। ये जिम्मेदारी आप संभाल लीजिए। जी सर, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा जो इस्तकबाल किया है, शायद आप बहुत लोग इसमें ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, मैं चाहता हूँ कि मेरा तारुफ आप तक पहुंचे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ,
और मैं समझता हूँ ये बात बताने के लिए मैंने डाइस पर बुलाया है आरिफ भाई को, और आरिफ भाई आपको मेरे बारे में बताएंगे मैं कौन हूँ। किसी की मोहताज नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रवास करने वाले बरेली के बहुत बड़े खिलाड़ियों में प्लाईवुड वाले करके मशहूर है शाहिद भाई जी। शुक्रिया, क्योंकि ये चीज मैंने सिर्फ इसलिए इनसे कहलवानी चाहिए कि हो सकता है कि आप मुझे एक अनाउंसर समझते हो, एक गाने वाला समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेरा शौक है, मैं एक अच्छा कबूतरबाज हूँ और एक अच्छे कबूतर परवाजी में करता हूँ। आज एक जिस तरीके से आप तमाम लोगों का एक नाम है, उसी तरीके से आपके पीछे मैं भी हूँ। कमेटी मेंबर बबलू भाई, आज ही बबलू साहब उनका स्वागत करेंगे जनाब यूसुफ साहब। बबलू साहब, हाजी बबलू साहब का स्वागत करेंगे यूसुफ साहब। हाजी बबलू साहब ने इस साल नई भाई का भी स्वागत करेंगे जनाब यूसुफ साहब। जोरदार तालियां साहब इन तमाम लोगों को। चंद ही लम्हों के बाद ये जो ट्रॉफी देख रहे हैं ये सब आपके हाथ में होंगे। पप्पू भाई प्लीज तशरीफ लाए, और पप्पू भाई का इस्तकबाल करेंगे हमारे सचिन। हाजी राजू साहब, जोरदार तालियों साहब स्वागत करते जाइएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, तंजीम भाई का स्वागत करेंगे हमारे पप्पू भाई। आरिफ भाई जामा मस्जिद वाले, आरिफ भाई का स्वागत करेंगे हमारे नाजिम भाई। नाजिम भाई प्लीज दोस्तों आने के लिए जगह दीजिएगा। आरिफ भाई की तबीयत कुछ नासाज है ये मुझे खबर लग चुकी है। दोस्तों तबीयत तो मेरी भी कल बहुत खराब थी, मैंने मना कर दिया था आने के लिए, लेकिन डॉक्टर बब्बू साहब का ये एहसान है कि उन्होंने मुझे ऐसी दवाई दी कि जो मैं आज आपके बीच में यहां बोल रहा हूं। आरिफ भाई आज की कबूतरबाजी में आपने बड़ी मेहनत की। एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट उड़ा था जिसमें संजय जैन जी ने उड़ान उड़ाई थी और शायद उनका 5वां नंबर रहा था, और उसमें आपने बहुत मेहनत की थी। तो आज मुरादाबाद की जो कबूतरबाजी इतनी हाई फाई हो गई, तो इसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मुरादाबाद का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन करा है। यहाँ की 5 टीमों ने पार्टिसिपेट करा था यूपी प्रवास कप में, जिसमें आरिफ भाई सेकेंड आए हैं, चंद घंटों से ही फर्स्ट रह गए हैं। मुरादाबाद का नाम आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में पहचान हो रही है कि लोकल कप के प्रवास किए थे, दो कपों के पूरे हिंदुस्तान में मुरादाबाद का नाम। आज जो यूपी कप उड़ा था और जिनमें चंद मिनटों से हमारे आरिफ भाई शादी हॉल वाले सेकंड आ गए, हम तमाम मुरादाबाद वासियों से ये दुआ करवाना चाहेंगे कि अगले साल हमारे आरिफ भाई ही फर्स्ट प्राइज जीते। जोरदार तालियां हमारे आरिफ भाई के लिए दोस्तों। बहुत ही शानदार, शाम तक जिस तरीके से आपके कबूतर बैठे हैं, लाइव मैं भी देख रहा था आपके कबूतरों को आरिफ भाई, बहुत शानदार आपके कबूतर आए हैं जी। एहसान उस्ताद, अरे वाह उस्ताद जनाब, मेरे सर पे भी हाथ रख दिया, बच्चा हूं आपका। एहसान उस्ताद प्लीज तशरीफ लाएं, काफी कमजोर हो चुके हैं, बहुत टाइम के बाद मैंने आपको देखा है,
और आपका स्वागत करेंगे शहर उस्ताद जनाब मंसूर अली साहब। बहुत बढ़िया। तनवीर भाई, तनवीर भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो तनवीर भाई तशरीफ लाएं। माशा ये हमारे कमल अली के बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, तनवीर भाई हैं। हाजी राजू साहब आपका स्वागत करेंगे हमारे तनवीर भाई का। हाजी फहीम साहब, हाजी फहीम साहब, हाजी फहीम साहब, लेकिन हाजी फहीम साहब का इस्तकबाल करेंगे उस्ताद एहसान साहब। अनीस भाई सीधे वाले, अनीस भाई, अरे वाह, अनीस भाई का स्वागत करेंगे हमारे पप्पू भाई। लीजिए नूर आलम साहब, नूर आलम साहब आज एक उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने मुरादाबाद शहर का कबूतरबाजी लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाई है। जितना उस्ताद लोगों का शहर के लिए योगदान है उतना ही हमारे इससे छोटे भाई नूर आलम का भी हाथ है। इसने घर घर कबूतरबाजी पहुंचाई है, इसने तमाम कबूतरबाजों की वीडियो बनाकर पूरे हिंदू पूरे वर्ल्ड में चलाई है। हाजी राजू साहब आपका स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि इनके चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत ये आप लोगों के लिए करते हैं। गुफरान भाई, गुफरान भाई का सच स्वागत करेंगे। गुफरान साहब का अपनी कमेटी का इस्तकबाल करेंगे अपनी तरफ से। सबसे पहला नाम है दानी सदर साहब का इस्तकबाल करेंगे। हाजी राजू सर साहब दानी जोरदार तालियां। कौन कहता है बोले इश्क नहीं करते, कौन कहता है बोले इश्क नहीं करते, इश्क तो करते हैं, तुम जैसे लौंडों से डरते हैं। नायब सदर नाजिम साहब, हाजी राजू साहब, सर जी आप पे इस्तकबाल कर रहे हैं अपनी पूरी कमेटी का, जोरदार तालियों से नवाजते जाइए सर। खजांची नईम साहब, नईम साहब का इस्तकबाल करते हैं जनाब राजू साहब। खजांची बबलू भाई, हाजी बबलू साहब तशरीफ ले आए। राजू साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं अपनी पूरी कमेटी का। पप्पू भाई, पप्पू भाई प्लीज सर, लॉकडाउन का वक्त करीब आ रहा है। तंजीम भाई, तंजीम भाई, आरिफ भाई जामा मस्जिद वाले प्लीज, आरिफ भाई, शहजादे भाई तशरीफ ले आए। शहजादे भाई सर, जैसा मैंने कहा है कि वक्त ज्यादा जाया हो गया। तनवीर भाई, तनवीर साहब, उस्ताद तनवीर साहब, तारिक अजीज साहब, गुड्डू भाई, तारिक अजीज साहब, तारिक अजीज साहब, आरिफ भाई, तारिक अजीज साहब,
फुरकान भाई, ये तमाम लोग आ गए, तनवीर भाई प्लीज, अजीत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आरिफ भाई, अजीज भाई, अजीज भाई, अजीज भाई प्लीज, हाफिज दानिश साहब, हाफिज दानिश साहब, शाहिद भाई, आरिफ भाई, इतना मुस्कुरा के आपने मुझे अपना बना लिया है, एक लंच का इंतजाम कीजिएगा, जल्दी ही आपके पास आऊंगा। हाजी फहीम साहब, हाजी फहीम साहब, अनीस भाई सिरे वाले तशरीफ लाए, अनीस भाई चलिए, अनीस भाई भी है, वकील साहब का भी स्वागत करेंगे हमारे हाजी राजू साहब, हाजी राजू साहब का इस्तकबाल करेंगे शहर उस्ताद जनाब मंजूर अली साहब, वाह क्या जोरदार ताली आ रहे, वाह ये स्वागत है, क्या बात है दोस्तों, इसमें नोटों की कीमत नहीं होती है, हार की कीमत होती है, इज्जत की कीमत होती है, इस्तकबाल की कीमत होती है, एक ट्रॉफी भी है अपने हाथों से, पूरी कमेटी की तरफ से हाजी राजू साहब जनाब सर जी को देते हुए, अरे सबके लगा सुनत सुनत तभी पूरी होगी तो बात होगी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, नाजिम भाई हमारे सदर मंसूर अली साहब को एक ट्रॉफी देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो इस्तकबाल है नाजिम साहब का मंसूर साहब के लिए, जोरदार तालियां, नाजिम भाई हमारे सदर मंसूर अली साहब को एक ट्रॉफी देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जो इस्तकबाल है नाजिम साहब का मंसूर साहब के लिए, जोरदार सदर साहब नाजिम भाई का स्वागत करते हुए, सदर साहब नाजिम भाई का स्वागत करते हुए जोरदार तालियां दोस्तों, किसी शख्स ने कहा है कि वो पानी क्या जिसमें छाली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो, जोरदार हाजी राजू साहब नईम भाई का स्वागत करते हुए एक ट्रॉफी से नवाजते हुए, नईम भाई वाह, नईम भाई, नईम भाई एक एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ लूं, चला थोड़ी ट्रॉफी को दे दीजिएगा भाइयों, ये हमारे नईम भाई हैं, आपने देखा होगा सबकी दाढ़ी नीचे होती है, इनकी दाढ़ी सामने क्यों है, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि नहीं भाई की दाढ़ी सीधी क्यों है, नीचे को क्यों नहीं है, ये कहने में झुकता नहीं हूं, ऐसे रहता है मेरा सब कबूतर
देखते रहता हूँ, इसलिए दाने का बाल भी ऊपर को चलेगा। लीजिए हाजी राजू साहब, स्वागत करेंगे हमारे पप्पू भाई का। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। हाजी राजू साहब तंजीम भाई का स्वागत करते हैं। वकील साहब का स्वागत करते हुए हमारे हाजी राजू साहब, वकील साहब का स्वागत करते हुए हाजी राजू साहब। बबलू, हाजी बबलू साहब तशरीफ ले आए। हाजी बबलू साहब, बबलू साहब, सॉरी सर, बबलू साहब, हाजी मंसूर साहब स्वागत करेंगे बबलू भाई का। बबलू भाई का स्वागत करें। चलिए साहब, मेरे गले में भी हार डाल दिया, क्या बात है, शुक्रिया सर, थैंक यू। बबलू साहब का स्वागत करते हुए हाजी मंसूर साहब और राजू साहब। शालम साहब, शालम साहब होम सेंचुरी, नूर आलम, सॉरी नूर आलम साहब, नूर आलम साहब, पूरी कमेटी की तरफ से बहुत योगदान है मुरादाबाद के कबूतरबाजी में, आपका बहुत योगदान है, बहुत काम किया है इन्होंने, घर घर कबूतरबाजी पहुंचाई है इन्होंने, एक नाम पूरे वर्ल्ड में आपकी बदौलत छाया है। असगर साहब और नाजिम साहब, असगर साहब और नाजिम साहब, बीच की गैली छोड़ने साहब आने के लिए, बीच की गैली छोड़ने असगर साहब और नाजिम साहब तशरीफ ले आए। असगर साहब और नाजिम साहब, राशिद अशफी साहब, राशिद अशफी साहब, प्लीज जल्दी आइए ना सर, लॉकडाउन का वक्त करीब आ रहा है सर, इतने आहिस्ता कदमों से बताइएगा सर। नाजिम भाई जो आए, ये हमारे तनवीर भाई के शागिर्द हैं। देखिए चकल्लस मत करिएगा भाई साहब, करीब जल्दी आइएगा, वक्त गुजर जाएगा, इनाम फिर आपका रह जाएगा सर, दो दो तीन तीन मर्तबा नहीं बुलाया जाएगा। अबे यार ये इनामी वाले तो बड़े वाले यार। लीजिए सर, हमारे नाजिम भाई, चलो असगर साहब हो गया, नाजिम भाई असगर साहब, चलो 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 चलो, राशिद अशफी साहब, राशिद अशफी साहब, पप्पू भाई, पप्पू भाई प्लीज, राशिद अशफी साहब, पप्पू भाई, जय सैनी, जय सैनी, हाफिज नदीम खां, अजीम भाई, रईस भाई, विशाल साहब, बबलू भाई, सरफराज भाई, फारूक भाई, अकील भाई, ये तमाम तशरीफ ले आए। जय शेरी साहब, चलो चलो भेजते रहो, भेजते रहो, चलो चलो भेजते रहो। रईस भाई जैसा नहीं होगा, कौन देखेगा। कल्लू भाई, कल्लू भाई कौन है साहब, प्लीज जल्दी तशरीफ ले आए। कल्लू भाई चूड़ी वाले, फारूक भाई, फारूक भाई प्लीज तशरीफ ले आए। फारूक भाई, सरफराज साहब, सरफराज साहब, पप्पू भाई, शानू भाई, कौन,
शानू साहब अनस और मंगल फारूक भाई अनस और मंगल सफरा साहब भाई हिला यार अनस शानू को नहीं मिला क्या अनस का ही नाम किया आगे साहब अनस और मंगल सही है जाओ बिट्टू साहब कौन है बिट्टू साहब शिवा बिट्टू साहब और शिवा साहब अनवर जमान साहब बंटी भारती नशीब के हैं बिट्टू भाई शिवा साहब अनवर जमाल का हमारे नईम भाई इनाम लेते हुए पंडित जी लालबाग हाजी बाबर पंडित जी लालबाग हाजी बाबर साहब भीड़ बहुत हो गई है सर क्या गेट खोल दिया है साहब विशाल साहब अजीम भाई हाजी बाबर साहब हाजी बाबर शकील भाई करोला वाले मुजीब साहब शकील भाई मुजाहिद भाई मुजीब भाई पप्पू भाई जामा मस्जिद वाले प्लीज अगर मेरी आवाज सुनना है तो जल्दी तशरीफ लाएं सर कल्लू भाई चूड़ी वाले चूड़ी वाले आ गए साहब आइए 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 ली
अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये टूर्नामेंट इतना कामयाब गया है बहुत ज्यादा। और हमारे शहर को दो नए विनर मिले इस साल, पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से विनर हो गए थे हम, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन दो विनर नए मिले। एक हमारे आरिफ भाई, जब हमारा एक टूर्नामेंट का ऐलान हुआ था तो मैंने आरिफ भाई को बुलाया था, मैंने कहा भाई ये इस साल हमारे साथ इस टूर्नामेंट में शॉर्ट करेंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इन्हीं वजूहत से ये पिछले साल हमारे साथ नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ आरिफ भाई मेरे करीब तो आ जाए, कम से कम दोनों लोग साथ में हो जाएंगे। तो सारे लोग